olhou नमस्कार दोस्तों मैं अक्षय एस आर के टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है जल्दी से सारे लोग जुड़ जाए तो हम लोग क्लास को बढ़िया से कंटिन्यू करते हैं ठीक है एक बार सेशन को जल्दी से आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए एंड जिन जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ठीक है अब देखेंगे हम लोग क्या कर रहे थे पाइप एंड पाइप फिटिंग का जितने भी फिटर का सारे एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है ना तो उसी के आगे हम लोग बढ़िया से कंटिन्यू करेंगे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो प्रैक्टिस बढ़िया से हम लोगों को करना है देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे क्या कह रहा है अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे कह रहा है फिटर क्या एन टी फिटर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर है कमेंट करके सारे लोग को बताना है ठीक है देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है पाइप रिंच दे रखा है फिर स्पेस दे रखा है धातु का बनाया जाता है जो पाइप रिंच होता है वो किस धातु का बनाया जाता है ये सारे लोग को बताना है ठीक है Yup. ठीक है तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन दे रखा है कास्ट स्टील दे रखा है और बी नंबर दे रखा है कास्ट आयरन दे रखा है सी नंबर पर देखेंगे तो क्या दे रखा है फोर्ज स्टील दे रखा है और डी नंबर पर देखेंगे तो क्या दे है राट आयरन दे रखा है तो कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे तो जो पाइप रिंच होता है वो किसका होता है कास्ट स्टील का होता है ठीक है ना तो कास्ट स्टील जिसका जिसका आएगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे तो किसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जिसका जिसका ए आया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और कास्ट आयरन कास्ट आयरन नहीं होगा फोर्ज स्टील भी नहीं होगा राट आयरन भी नहीं होगा तो किसका बनाया जाता है कास्ट स्टील का बनाया जाता है ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है सारे लोग को क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है देखेंगे दूसरे का देखिए दूसरे में क्या करना है मिलान करना है और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट ठीक है तो देखिए क्या क्या है अच्छी तरीके से देखेंगे ठीक है तो पहला दे रखा है तांबा तांबा पाइप जो होती है मतलब कापर की पाइप जो है ये कापर की पाइप दे रखा है इसका मिलान किससे होगा तो कापर की पाइप कहाँ पे यूज करते हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए तो वास्प ये क्या दे रखा है बॉयलर एंड स्टीम इंजन में ठीक है ना तो इसका जो मिलान करेंगे दूसरे से हो जाएगा ठीक है ना आ रही बात समझ में फिर उसके बाद देखेंगे ब्रोंज पाइप ब्रोंज पाइप जो होती है वो किसके लिए होती है ये आपको क्लियर रहना चाहिए ये क्या है एयर क्रैप पाइप के लिए ब्रोंज पाइप का मटेरियल बनाया जाता है ठीक है फिर उसके बाद सी नंबर पे देखेंगे लीड पाइप, दे पाइप, पाइप दे रखा है ठीक है ना सीसा पाइप ठीक है ना लेड पाइप दे रखा है सीसा वाली पाइप की सीसा की पाइप किसके लिए बनाया जाता है ये देखिएगा तो देखेंगे तो क्या दे रखा है एसिड लाइन के लिए जो होता है सीसा की पाइप बनाया जाता है कहीं पे भी एसिड क्या होता है फ्लो कराना है तो वहां पे किसका लेड पाइप बनाया जाता है मतलब लेड मटेरियल की पाइप बनाया जाता है ठीक है फिर उसके बाद देखेंगे कास्ट आयरन की पाइप कहाँ पे बनाया जाता है तो कास्ट आयरन जहां पर वा, वाटर वगैरह सप्लाई करना है वहां पे कौन सी पाइप यूज होती है कास्ट आयरन वाली पाइप यूज होती है तो देखेंगे ए नंबर का फोर्थ दे रखा है ए नंबर का देखेंगे तो कौन सा दे रखा है बी ए नंबर का बी किस पे आ रहा है देखेंगे तो ए का वन आ रहा है तो ये वाला तो सीधा गलत हो जाएगा ए का देखेंगे दूसरा तो ए का दूसरा तो ये अभी सही चल रहा है और बी का कौन सा आ रहा है बी का देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा वन नंबर तो ये भी बी का वन नंबर सही है फिर उसके बाद लेड पाइप जो होती है किसके लिए एयर मतलब एसिड लाइन के लिए तो ये भी सही है फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन की पाइप वाटर की सप्लाई के लिए तो ये भी सही है तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो जिसका जिसका बी आया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद देखेंगे सी नंबर पे दे रखा है ए टू बी फोर सी वन और डी टू दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा सही कौन सा हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला बताना है सारे लोग को क्या इसका आंसर होगा देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सारे एग्जाम में आए हुए हैं देखिए एम ई एस फिटर ट्रांस क्या ट्रेड माइंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो 2015 में पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताना है आप लोग को क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे क्या कह रहा है रैचेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है रैचेट शिफ्टर का क्या काम होता है ये बताना है ठीक है ना रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर का क्या काम होता है ये बताना है देखिए चार ऑप्शन दे रखा है पाइप खोलने को तो पाइप को खोलने के लिए नहीं होता स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए किसका स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है मतलब स्क्रू को क्या करेंगे हम जैसे ही टाइट करेंगे तो क्या होगा आगे की ओर फ्लो आगे की ओर भागेगा तो क्या हो जाएगा स्क्रू को दिशा प्रदान करता है ठीक है ना एक डायरेक्शन में जैसे ही उसमें चूड़ी टाइट करेंगे क्या हो जाएगा एक डायरेक्शन में फुलो कराएगा ठीक है ना तो क्या हो जाएगा स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है और हैवी ड्यूटी के लिए नहीं और फिर उसके बाद देखेंगे स्क्रू का साइज ठीक करने के लिए यह भी नहीं होगा स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए यूज करते हैं ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चौथा नंबर और कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए इसरो टेक्नीशियन पूछा हुआ क्वेश्चन है बताना तो है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए क्या कह रहा है एक पोरवेल में क्या देखा है डिलीवरी लाइन के ये प्रयुक्त तो जोड़ रहित पाइप होते हैं ठीक ना तो कौन सा होता है जी पाइप होता है पीवीसी पाइप होता है एच डी पाइप होता है और सी पाइप होता है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगर देखें तो ये जी का मतलब क्या होता है जी पाइप गेलवनाइज आयरन पाइप होता है कौन सा होता है गेलवनाइज आयरन पाइप होता है ठीक है आरिभा इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा हुआ है फिर उसके बाद पीवीसी का जानते ही है, क्या होता है पीवीसी क्या होता है पाली विनाइल क्लोराइड ठीक है ना पाली विनाइल क्लोराइड ठीक है ये पाली विनाइल क्लोराइड होता है आरिभा समझ में और इसका आंसर जो हो जाएगा एच डी पाइप होगा फिर उसके बाद देखेंगे तो डी नंबर पे दे रखा है कास्ट आयरन पाइप सी आई का मतलब क्या होता है कास्ट आयरन पाइप तो आंसर इसका सही कौन हो जाएगा एच डी पी ई पाइप जिसका आएगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पप्पू कुमार जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है हम लोग को प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करनी है ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है अच्छी तरीके से बताना है ठीक है ना पप्पू कुमार जी का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही बहुत अच्छे अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर देखिए आपके सामने है और बताना है क्या इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या कह रहा है घर्षण कम करने हेतु पाइपों में क्या होता है एपॉक्स कोडिंग उपलब्ध कराया जाता है ठीक है ना घर्षण करने के लिए क्या होता है पाइपों में क्या होता है एपॉक्स कोडिंग उपलब्ध कराया जाता है चार ऑप्शन दे रखा है और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो किसका घर्षण को कम करने के लिए पाइपों में घर्षण कम करने के लिए फ्रिक्शन कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं कौन से मटेरियल का क्या होता है क्या ये ये दे रखा है कास्ट आयरन पाइप ये क्या है कास्ट आयरन ठीक है आ रही बात समझ में तो ये नहीं होगा फिर उसके बाद देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा डी आई पाइप डकटाइल आयरन ठीक है ना डी आई पाइप क्या होता है डकटाइल आयरन ठीक है ना अरे बात समझ में तो आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर देखेंगे तो ये सही होगा आंसर इसका। पी नंबर मतलब डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल आयरन वाली पाइप का यूज करेंगे पीवीसी पाइप पीवीसी का कभी कभी फुल पाम पूछता है तो पीवीसी का फुल पाम आपको मालूम होना चाहिए पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है क्या होता है पॉली क्लोराइड फिर उसके बाद नहीं ठीक है ना फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना पप्पू कुमार जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा था ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे छठा नंबर आपके सामने है कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है है तो कह रहा है, खुले चैनल के द्वारा प्रवाह में होता है कौन से प्रवाह में होता है ये सारे लोग को बताना है अंडर प्रेशर पहला क्या दे रखा है अंडर प्रेशर और बी नंबर पर क्या दे रखा है अंडर ग्रेविटी दे रखा है फिर उसके बाद विथ ए प्रेशर ऑफ ए टेन के पर सेंटीमीटर स्क्वायर फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या दे रखा है नीच दे रखा है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से कमेंट करके आप लोगों को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है तो देखेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा गुरुत्व में मतलब अंडर ग्रेविटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना फ्लो थ्रो ओपन चैनल आर क्या होता है अंडर ग्रेविटी में होता है ठीक है ना तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा सातवें का बताना है क्या इसका आंसर हो जाए इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ ये भी है तो बताना है क्या इसका आंसर है ठीक है ठीक कह पाइप लाइन में क्या होता है वाटर हैमर फिर उसके बाद स्पेस दे रखा है की वजह से होता है किसके वजह से होता है ये सारे लोग को बताना है ठीक ना जो वाटर हैमर होता है वो किसके वजह से होता है ये बताना है तो जल का क्या होता है पुनः फरण मतलब क्या दे रखा है रिफिलिंग ऑफ वाटर मतलब दोबारा पानी भरने के लिए फिर उसके बाद क्या दे रखा है पाइप के फुटने से ठीक ना क्या होता है बस्टिंग ऑफ पाइप फिर उसके बाद दे रखा है कौन सा वाल्वों को अचानक बंद होने सर्डेन क्लोजिंग ऑफ वाल्व मतलब क्या होता है वाल्व जो लगा होता है वह अचानक बंद होने की वजह से होता है फिर उसके बाद दे रखा है जल की मंजाई मतलब क्या होता है स्क्रिंग ऑफ वाटर स्क्रॉलिंग ऑफ वाटर मतलब जल की सफाई ठीक है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सारे लोग को बताना है पप्पू जी का बी आंसर आ रहा है ठीक है तो के इसका आंसर जो होगा आंसर इसका सी होगा मतलब क्या होगा वाल्व को अचानक बंद हो जाएगा तब के लिए होता है ठीक है ना पाइप हैमर में वाटर हैमर कब होता है वाटर हैमर कब होगा जब क्या होगा पाइप का वाल्व जो लगा होता है वो अचानक बंद हो जाएगा तब यानी कि सी नंबर जिसका आएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखेंगे अगला और बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है आठवें का बताना है क्या इसका आंसर होगा कह रहा है छोटे व्यास वाले धातु पाइप को फिर स्पेस दे रखा है कह रहा है किसके द्वारा जोड़ा जाता है ये सारे लोग को बताना है अगर छोटे व्यास वाली पाइप है तो उसके किसके द्वारा जोड़ा जाता है ये पूछा हुआ है तो ए नंबर पे देखें क्या दे रखा है

देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा स्क्रू ज्वाइंट के द्वारा जब छोटे पाइप को जोड़ने के लिए किसके द्वारा जोड़ते हैं स्क्रू ज्वाइंट के द्वारा जोड़ते हैं ठीक है ना आ रही बात समझ में जिस पाइप का डाया बहुत छोटा होता है उसको स्क्रू ज्वाइंट के द्वारा जोड़ते हैं पप्पू जी का बिल्कुल सही आंसर आया था अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए पे पूछा हुआ है? में पूछा हुआ हुआ है है मशीनिस्ट में क्वेश्चन फिर उसके बाद नोएडा मेट्रो में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे क्या कह रहा है दोनों सिरे पर बाहरी थ्रेड कह रहा है दोनों सिरे पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को जो स्पेस दे रखा है कहा जाता है ठीक है ना क्या कहा जाता है देखिए प्लग दे रखा है टी दे रखा है निप्पल दे रखा है एल्बो दे रखा है ठीक है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है ठीक है क्या रहा है जल्दी से कमेंट करके बताना है ठीक है पप्पू कुमार जी का सी आंसर आ रहा है ठीक है बहुत अच्छे देखेंगे अगला क्या कह रहा है दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को स्पेस दे रखा है कहा जाता है तो एक छोटे से टुकड़े को क्या कहा जाता है ये बताना है क्या प्लग कहा जाता है नहीं क्या टी कहा जाता है नहीं तो कहा किसको को जाता है निप्पल को कहा जाता है क्या एल्बो को कहा जाता है नहीं ठीक है तो क्या हो जाएगा सी बिल्कुल आंसर सही है मतलब पप्पू जी का जो आंसर आया वो वो बिल्कुल सही आंसर है ठीक है अब देखेंगे क्या होता है देखेंगे प्लग का, का काम क्या होता है तो प्लग का काम क्या होता है ये सारे लोग को मालूम रहना चाहिए और टी का काम क्या होता है तो प्लग जो होता है अगर कहीं पे भी पाइप में प्लग अगर लगाते हैं प्लग देखेंगे तो किस टाइप का होता है ये सारे लोग को आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए और टी स्लाट का, का, का काम क्या होता है तो टी का देखेंगे तो टी इस टाइप का होता है टी स्लाट देखेंगे तो क्या होगा दो पाइपों को क्या होता है इस टाइप का टी लगा होता है इस टाइप का ठीक है और यहाँ पे एक ऐसा लगा होता है ठीक है ये क्या होता है टी टी ज्वाइंट होता है ठीक है कहीं पे दो सप्लाई बनी है एक पाइप से इधर जा रही है तो सप्लाई को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए 90 डिग्री पर इसको ज्वाइंट कहते हैं ठीक है आ रही बात समझ में और एल्बो जान ही रहे होंगे एल्बो क्या होता है एल्बो इस टाइप का होता है ठीक है क्या करता है एल्बो जो होता है ये देखेंगे एल्बो इस टाइप का होता है दो पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है ठीक है

रहा है पाइपड ज्वाइंट इज जनरली यूज टू कनेक्टेड ठीक है तो देखेंगे क्या दे रखा है लीड पाइप जोड़ के लिए फिर उसके बाद स्टील पाइप जोड़ के लिए फिर रबर पाइप जोड़ के लिए फिर उसके बाद प्लास्टिक पाइप जोड़ के लिए ठीक है बी नंबर फिर उसके बाद रबड़ पाइप फिर डी नंबर क्या दे रखा है प्लास्टिक पाइप को जोड़ने के लिए तो कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है जल्दी से सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है कमेंट करके सारे लोग को बताना है ठीक है क्या आ रहा है जल्दी से कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से तो देखेंगे कौन सा पाइप को जोड़ने के लिए करते हैं तो लीड पाइप को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है तो अच्छे से सारे लोग को करना है ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे नोएडा मेट्रो में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे क्या कह रहा है कह रहे पाइप फिटिंग आर नॉट मेड फ्रॉम कह रहा है पाइप फिटिंग से नहीं बनाए जाते हैं ठीक है ना कौन नहीं बनाया जाता है ये सारे लोग को बताना है केवल पीवीसी मतलब पाली विनाइल क्लोराइड जो होता है पाइप ठीक है पप्पू जी का बिल्कुल सही आंसर आया था ठीक है अब देखेंगे अगला कैडमियम फिर उसके बाद क्या दे रखा है केवल कास्ट आयरन फिर उसके बाद डी नंबर दे रखा है केवल रॉट आयरन ठीक है ना चार ऑप्शन दे रखा है और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना जल्दी से बताना है तो देखेंगे क्या इसका केवल पीवीसी पाइप नहीं ठीक है ना केवल पीवीसी पाइप का यूज नहीं करते हैं फिर उसके बाद किसका यूज करते हैं कैडमियम की पाइप का ठीक है ना कैडियम मटेरियल होता है इसके पाइप का यूज हम लोग करते हैं ठीक है ना केवल कास्ट आयरन पाइप का नहीं केवल राट आयरन पाइप का नहीं तो किसकी यूज करते हैं कैडमियम की पाइप का यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो जिसका जिसका बी आया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है देखेंगे बारह नंबर और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है बारहवा आपके सामने है और कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो कह रहे हैं पाइप की सामग्री का चयन स्पेस दे रखा है के आधार पर किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है ये बताना है तो क्या श्यांता के आधार पर किया जाता है फिर उसके बाद पाइप की लंबाई के अकॉर्डिंग किया जाता है तरल पदार्थ के अकॉर्डिंग किया जाता है पाइप की मजबूती के अकॉर्डिंग किया जाता है ठीक है तो जो क्या होता है कोई भी पाइप अगर हमें चूज करना है तो कौन सी पाइप हमें यूज करना है सबसे पहले देखेंगे उस पाइप में क्या फ्लो कराना है कौन सा लिक्विड हमें फ्लो कराना है पानी फ्लो कराना है कि एसिड फ्लो कराना है कोई सारी पाइप होती गैस फ्लो कराना है तो मटेरियल कौन सा पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा पदार्थ हम लोग उसमें फ्लो करा रहे हैं कौन सा लिक्विड उसमें उस पाइप में फ्लो कराना है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग पाइप का चूज करते हैं यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसे कास्ट आयरन की पाइप का यूज कहाँ पे करते हैं जहाँ पे क्या होगा हमें वाटर का फ्लो कराना होता है वहां पे कास्ट आयरन पाइप का यूज करते हैं ऐसे कई सारे क्या होता है कई सारे लिक्विड होते हैं अगर अलग अलग लिक्विड हैं, तो उसके अलग अलग मटेरियल के पाइपों का यूज किया जाता है ठीक है बात समझ में? आप देखेंगे अगला क्या कह रहा है तेरह नंबर और बताना है सारे लोग को क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो कह रहा है भारतीय मानक के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पाइप आर स्पेसिफाइड बाई भारतीय माना के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो सारे लोग को बताना है देखिए यूपी टीजी टू सेकेंड में पूछा हुआ है और ये भी देखिए दो दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे ऑप्शन ए दे रखा है लेंथ ऑफ पाइप है ना पाइप की लंबाई के द्वारा फिर उसके बाद नामिनल बोर नामिनल बोर के द्वारा फिर उसके बाद वाल थिकनेस दीवार की मोटाई के द्वारा फिर उसके बाद मटेरियल ऑफ पाइप पाइप का पदार्थ क्या है वो ठीक है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा सारे लोग को बताना है ठीक है कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से सारे लोग को बताना है ठीक है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा तो इसका कौन सा हो जाएगा नामिनल बोर के अकॉर्डिंग लेते हैं ठीक है जिसका जिसका बी आएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जिसका बी आ रहा होगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो चौदह नंबर आपके सामने है और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह है समान सामान्य निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में जैव घन पदार्थ अनुमत सीमा है ठीक है ना तो क्या दे रखा है इसमें देखिए कितना कितना दे रखा है लेस देन 200 सौ दे रखे ना मतलब क्या दे रखा है लेस देन 200 सौ एम जी का मतलब क्या होता है ये सारे लोग को मालूम होना चाहिए एम का क्या होता है मिलीग्राम। ये जो एम जी ले रखा है इसका मतलब क्या है कहीं पे लिखा है 200 ऐसा लिखा है एम जी और पर लीटर ठीक ना इसका मतलब क्या होता है मिली ग्राम ठीक है ना आ रही बात समझ में मिलीग्राम पर लीटर ठीक है ऐसा है ये ठीक है तो 200 मिलीग्राम पर लीटर लेस देन 200 मतलब 200 मिलीग्राम लीटर से कम फिर उसके बाद दे रखा है बी नंबर लेस देन 2000 मिलीग्राम से कम फिर उसके बाद दे रखा है कितना लेस देन 4000 मिलीग्राम लीटर क्या दे रखा है 4000 मिलीग्राम पर लीटर फिर उसके बाद दे रखा है लेस देन 300 मिलीग्राम पर लीटर ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा लेस देन 200 मिलीग्राम पर लीटर सही आंसर होगा जिसका जिसका ए आएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है सारे लोग को क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है पंद्रह नंबर देखिए इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो सारे लोग को अच्छी तरीके से करना है इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है कह रहा है ऑफ स्पेस दे दे रखा रखा है है इज क्या दो है? बैनेड दे है, ठीक है ना के उपयोग पर रोक लगाया जाता है रोक किस पे उपयोग पर लगाया जाता है ये सारे लोग को बताना है तो देखेंगे तो क्या दे रखा है जी आई पाइप फिर उसके बाद क्या कह रहा है आर सी सी पाइप फिर उसके बाद दे रखा है एम एस पाइप माइल्ड स्टील का पाइप ये एम एस का मतलब क्या होता है माइल्ड स्टील पाइप ठीक है आ रही बात समझ में ये वाला ठीक है फिर उसके बाद देखेंगे एसी पाइप ठीक है ना तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा पप्पू जी का डी आया था सही है।, अब देखेंगे, बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर है ठीक है तो देखेंगे पहला क्या दे रखा है जी आई पाइप दूसरा आर सी सी और तीसरा एम एस और चौथा डी नंबर दे रखा है ए सी पाइप तो कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है ठीक है क्या आ रहा है आंसर देखेंगे तो देखेंगे क्या कह रहा है पहला तो दे रखे जी आई पाइप तो जी आई पाइप का यूज नहीं करते हैं जी आई पाइप का फुल फॉर्म क्या होता है गेलवनाइज आयरन कई बार पूछा होता है ठीक है ना तो गेलवनाइज आयरन वाली पाइप का यूज करेंगे नहीं और देखेंगे तो क्या किसको रोक लगाया जाता है तो जी आई पाइप का नहीं आर सी सी पाइप का नहीं माइल्ड स्टील वाली पाइप का नहीं फिर कौन सी पाइप का यूज करते हैं ये सारे लोग को बताना है तो ए सी पाइप का क्या होता है इस पे रोक लगाया जाता है ठीक है तो ये एसी पाइप जो होती है कितने कितने लंबाई की मिलती है ये आपको इसका जो डाया होता है ये पांच एम mm से पांच एमएम mm से सौ एम mm तक के ये मार्केट में मिलते हैं ठीक ना आ बात समझ में तो ये क्या हो जाएगा एसी पाइप का हम लोग रोक लगाते हैं ठीक है कौन सा आंसर सही हो जाएगा डी नंबर जिसका आएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नंबर आपके सामने है देखिए कहाँ पे पूछा हुआ है डी एम आर सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है फिर उसके बाद ये भी देखें कहाँ पे 2017 और 2018 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है ठीक है ना तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है एक पाइप लाइन में क्या होता है ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या होता है जो ग्लोब वाल्व लगा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है देखेंगे तो जल प्रवाह को नियंत्रित करना और सीधी रेखा में और फिर उसके बाद दे रखा है द्वि मार्गी प्रवाह मतलब दो डायरेक्शन में प्रवाह को फिर उसके बाद त्रिजी मतलब रेडियल प्रवाह ठीक है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो जो ग्लोबल वाल्व होता है उसका काम क्या होता है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ग्लोबल वाल्व जो होगा उसका आंसर जो होता है क्या हो जाएगा जल प्रवाह को नियंत्रित करता है ठीक है ना जल के प्रवाह को क्या करता है नियंत्रित करता है यानी कि ए नंबर जिसका आएगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और सीधे डायरेक्शन में क्या फॉलो कराता है दुई मार्ग में नहीं और रेडियल में नहीं ठीक है अगला देखेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा सारे लोग को बताना है सत्रहवें का आंसर आपको बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा कह रहा है जल लेने के लिए भवन तथा गलियों के अंदर क्या प्रदान किया जाता है ठीक ना तो क्या दे रखा है चेक वाल फिर उसके बाद ड्रेन वाल फिर उसके बाद प्रेशर वाल फिर उसके बाद स्टॉप चौक दे रखा है ठीक है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से

अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है ठीक है अठारवे का बताना है कमेंट करके सारे लोग को क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो क्या आ रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे क्या कह रहे हैं कह रहा है जल के अपवाह को रोकने के लिए पेशाब खाने मतलब क्या होता है वेस्टेज क्या दे रखा है पेशाब खाने में लगाया जाता है क्या लगाया जाता है वाल्व वाल्व का ही यूज करते हैं क्या होता है जल के अपव्यय को रोकने के लिए क्या होता तो है ज्यादा जल यूज ना हो उसको रोकने के लिए किसका यूज करते हैं फ्लस वाल्व का प्रयोग करते हैं यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा और चेक वाल्व का नहीं फिर उसके बाद फोर्ट वाल्व का नहीं नॉन रिटर्न वाल्व का नहीं नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है एक ही डायरेक्शन में वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ वाटर क्या जो है वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ वाटर ठीक ना एक डायरेक्शन में फ्लो का वाटर होता है ठीक है ना आरी बात समझ में तो लेकिन किसका यूज करेंगे प्लस वाल्व का यूज करेंगे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जिसका जिसका ए आएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है और सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है देखिए ये भी इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है जल अपूर्ति पाइपलाइन में क्या होता है वायु मोचक वाल्व पर लगाया जाता है किस पर लगाया जाता है पाइप बेंड दे रखा है फिर उसके बाद दे रखा है पाइप ज्वाइंट दे रखा है फिर उसके बाद क्या रखा है समिट दे रखा है मतलब शिखर दे रखा है लो पॉइंट दे रखा है यह बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा सारे लोग को कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है ठीक है जल्दी से आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से

बताना है ठीक है देखिए पूछा हुआ, हुआ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से सारे लोग को बताना है कह रहा है पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या होता है ठीक है ना ग्लोब वाल्व का जो उद्देश्य क्या होता है सारे लोग को बताना है ठीक है तो क्या दे रखा है यह पानी को गर्म होने से बचाता है फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या कह रहा है जोड़ को मजबूत प्रदान करता है फिर उसके बाद सी नंबर पे दे रखा है यह निर्वात की दिशा स्थिति उत्पन्न होने से रोकता है और जल को नियंत्रित करता है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से ठीक है तो कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से सारे लोग को बताना है ठीक है तो क्या कह रहा है पाइपलाइन में क्या होता है ग्लोब वाल का उद्देश्य क्या होता है यह क्या करता है जल को नियंत्रित करता है ठीक है ना आरीबा समझ में क्या काम करता है जल को नियंत्रित करता है ठीक है अब देखेंगे अगला और कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए 21वा और बताना है सारे लोग को क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है 21वें में क्या कह रहा है पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का प्रयोग करते हैं गैर वापसी वाल्व मतलब जो एक डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करता है वह वाल्व का क्या नाम है यह सारे लोग को बताना है यह दोनों तरफ क्या होता है यह दोनों तरफ प्रवाह को सक्षम करता है नहीं ओनली वन डायरेक्शन में क्या होता है वाटर को फ्लो कराता है यह तीन तरफ क्या होता है वाटर का फ्लो कराता है नहीं ये चार तरफ नहीं ये वन डायरेक्शन में क्या होता है वाटर का फ्लो कराता है ठीक ना तो कौन सा वाल्व होता है क्या होता है पानी को पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व क्या होता है नॉन रिटर्न वाल्व नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है ये आपको बिल्कुल तो नॉन रिटर्न वाल्व होगा नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है ये ओनली क्या करता है वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराता है किसमें वन डायरेक्शन में वाटर फ्लो कराता है ठीक है ना ओनली वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराता है ठीक है अब देखेंगे अगला और कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगले क्वेश्चन का सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा देखिए बाईसवा नंबर है और देखिए आर फिटर दो हजार उन्नीस में पूछा है शिफ्ट नंबर थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो कह रहा है दिए गए वाल्वो में से कौन सा एक मार्गी वाल है ना एक वार्गी वाल होता है एक मार्गी वाल कौन सा हो जाएगा ये सारे लोग को बताना है तो कौन सा हो जाएगा पहला दे रखा है गेट वाल्व फिर उसके बाद वाटर फ्लाई वाल्व फिर उसके बाद बाल वाल्व फिर उसके बाद चेक वाल्व तो बताना है क्या इसका आंसर जो वन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो कराए वह वाल्व का नाम क्या है ये सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा तो जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से ठीक है क्या आ रहा है आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है ठीक है तो देखेंगे जो वन डायरेक्शन में फ्लो कराएगा तो क्या होगा गेट वाल्व नहीं होता है फिर उसके बाद वाटर वाल्व क्या होता है वाटर फ्लाई वाल्व ये भी नहीं होता बाल वाल्व नहीं कौन सा होता है चेक ठीक है ना चेक वाल्व ओनली क्या करता है वन डायरेक्शन में क्या करता है वन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो कराता है ठीक है ना तो कौन सा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए तेईसवा नंबर यूपी ट्रेपल से असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है कंपाउंड वेल में दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े का क्या नाम है ये सारे लोग को बताना है ठीक ना तो देखेंगे ऑप्शन दे रखा है कौन सा बेल प्लग दे रखा है फिर उसके बाद बेल स्टॉक दे रखा, क्या दे रखा है सॉकेट दे रखा है फिर ठीक है तो देखेंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बेल सॉकेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जिसका जिसका बी आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है आ रही बात समझ में आप देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है किस एग्जाम में पूछा हुआ है यूपी असिस्टेंट बोरिंग हजार 2015 में पूछा हुआ है ठीक है तो बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है तो कह रहा है वाटर टैंक का डेड स्टोरेज सप करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है ठीक है ना तो देखेंगे चार ऑप्शन दे रखा है कह रहा है रिफ क्या दे रखा है रिफ्लेक्स वाल्व फिर उसके बाद दे रखा है फ्लोट वाल्व फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या दे रखा है इस ये क्या दे रखा है स्क्रॉयल वाल्व ठीक है फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या है स्लाइस वाल्व दे रखा है तो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है क्या इसका आंसर होगा कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है क्या रहा है सारे लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके बताना है ठीक है तो देखेंगे तो क्या फ्लक्स वाल्व नहीं रिफ्लक्स वाल्व ले रखे है तो ये भी नहीं होगा फिर फ्लॉट वाल्व का यूज नहीं करते करते किसका है कटाव वाल मतलब क्या होता है स्क्रॉल वाल्व का प्रयोग करते हैं ठीक है और डी नंबर देखेंगे तो क्या दे रखा है स्लॉइस वाल्व ये भी नहीं होगा स्लॉइस वाल्व दे रखा है ठीक है तो ये भी कहना गलत होगा यानी कि कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर स्क्रॉयल वाल्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है क्या इसका आंसर होगा पच्चीसवें किसका संकेत है संकेत देखिए इसका फिगर नहीं दे रखा कुछ ऐसा होता है ये ठीक है ऐसा ठीक है ऐसे करके फिर उसके बाद देखेंगे तो ऐसा रहता है ठीक है ये संकेत है और बताना है इसका मतलब क्या है ये सारे लोग को बताना है ठीक है इस टाइप का फिगर है बता रहा है ये जो संकेत है ये किसके लिए है ये बताना है ठीक है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सारे लोग को बताना है पहला दे रखा है स्टाप वाल्व फिर उसके बाद दे रखा है सेफ्टी वाल्व फिर उसके बाद दे रखा है फायर हाइड्रांट वाल्व फिर उसके बाद ड्रेन वाल्व ठीक है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा कहीं पे ऐसा सिंबल है तो ये किस टाइप के वाल्व का सिंबल है ये बताना है ठीक है तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका देखेंगे तो ड्रेन वाल्व ये जो सिंबल दे रखा है किसका दे रखा है ड्रेन वाल्व का दे रखा है ठीक है ड्रेन वाल्व जिसका आंसर आ रहा होगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है आ रही बातें समझ में ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से करेंगे ठीक है छब्बीस नंबर और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक ही स्थान पर जोड़ने के काम आता है ठीक है तो देखेंगे सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है फिर <म्ण> से देखें निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक ही स्थान पर जोड़ने के काम आता है पहला दे रखा है यूनियन दे रखा है फिर उसके बाद दे देखे टी दे रखा है फिर उसके बाद क्रास दे रखा है फिर उसके बाद सॉकेट दे रखा है ठीक है तो बताना है क्या इसका आंसर होगा सारे लोग को कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से बताना है सारे लोग को ठीक है तो देखेंगे सारे लोग का यूनियन का काम क्या होता है ये आपको बिल्कुल मालूम ही रहना चाहिए यूनियन का जो काम होता है क्या होता है ये क्या होता है कभी कभी ये क्या होता है जैसे मोटर वगैरह जोड़ना है, कोई भी पाइप क्या होता है वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे अगर मोटर वगैरह लगाना है तो ये क्या करते हैं यूनियन का प्रयोग करते हैं ठीक ना आ रही बात समझ में ये ज़रूरत के हिसाब से हम कभी कभी यूज करते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या हो जाएगा टी सला टी जो होता है टी क्या होता है ये इसका फिगर देखेंगे तो कुछ ऐसा रहता है ठीक है ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा मतलब कहीं पर भी ये ऐसा रहता है ये टी रहता है ठीक है इसका जो कितना डिग्री होता है नाइन्टी डिग्री पर पाइप को जोड़ने के लिए होता है। तो लेकिन टी का प्रयोग थोड़ी करेंगे टी का क्या हो जाएगा कोई भी एक डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो गया अगर तीसरी डायरेक्शन में बांटना है तो क्या हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में 90 डिग्री पर पाइप जोड़ना है तो टी का प्रयोग करते हैं ठीक है फिर उसके बाद दे रखा है क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है देखेंगे तो क्रॉस कुछ ऐसा रहेगा ठीक है

क्रॉस एल्बो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जिसका जिसका कौन सा आ जाएगा जिसका सी आएगा यानी कि क्रॉस एल्बो जिसका आएगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है आरी समझ में अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है देखिए कौन सा आ गया पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पाइपों की लंबाई को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है निप्पल दे रखा है क्रास दे रखा है सॉकेट दे रखा है और प्लग दे रखा है तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताना है सारे लोग को ठीक है

निप्पल का पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं निप्पल का प्रयोग करते हैं ठीक है सारी बातें समझ में निप्पल कैसे रखे जैसे कोई पाइप ऐसा दे रखा है देखेंगे ऐसा पाइप दे रखा है ये एक पाइप है ठीक है ना अब इसकी लंबाई हमें बढ़ाना है ये पाइप हो गया ठीक है ना अब क्या करेंगे इस इसपे एक निप्पल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाएगी ठीक है हरी बात समझ में कुछ ऐसा हो जाएगा इसी के ऊपर एक निप्पल लगा देते हैं तो इससे क्या होता है लंबाई बढ़ जाती है तो निप... कोई भी पाइप की लंबाई बढ़ाना है तो उस पर हम क्या लगा देते हैं निप्पल लगा देते हैं ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे आर आर बी कोलकाता एल पी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है जल्दी से बताना है कह रहा है वाटर टैप में वाशर का प्रयोग वाटर टाइप टैंक के लिए किया जाता है निम्न में से यह किस पदार्थ की नहीं बनाई जाती ठीक ना तो किस पदार्थ की बनाई जाती है देखिए क्या होता है रबर की बनाई जा सकती है फाइबर की भी बनाई जा सकती है और क्या होता है चमड़ा की भी बनाई जा सकती है लेकिन लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती पूछा किसकी नहीं बनाई जा सकती लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती बाकी किसकी बनाई जा सकती रबड़ फाइबर और चमड़ा की बनाई जा सकती है लेकिन सिर्फ किसकी नहीं बनाई जा सकती लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है सारे लोग को क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से सारे लोग को कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे इस वाल्व के द्वारा पानी भाप हवा व गैस को नियंत्रित किया जाता है इसमें पानी का दबाव शीट के नीचे होता है तो बताना है क्या दे रखा है गेट वाल में क्या दे निडल वाल में ग्लोब वाल में और क्या दे रखा है प्लग कॉक में तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है है तो क्या आंसर आ रहा है? कमेंट करके बताना है आप लोग को ठीक है देखेंगे क्या इसका है है पहला दे रखा है, गेट वाल्व नहीं फिर उसके बाद वाल्व का नहीं करते किसका है वाल्व का यूज करते हैं प्लग वाल्व का भी यूज नहीं करते हैं। तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखेंगे तो क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है देखेंगे तो कहां पे देखा हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छे से बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे क्या कह रहा है गेट वाल्व का प्रयोग द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नहीं करते हैं इस वाल्व का दूसरा नाम क्या है ठीक है ना तो दूसरा नाम इसका क्या है ये सारे लोग को बताना है ठीक है तो देखेंगे तो पहला क्या दे रखा है निडल वाल्व दे रखा है फिर उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है रिफ्लेक्ट वाल्व दे रखा है फिर उसके बाद देखेंगे तो तीसरा नंबर पे क्या दे रखा है वाटर टाइप दे रखा है और चौथा नंबर पे दे रखा है इसक्लूस वाल्व दे रखा है तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा ये सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से ठीक है तो देखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा इस क्लाइस वाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और सी नंबर पर देखेंगे वाटर टैप नहीं और रिफ्लेक्ट वाल नहीं और ए नंबर पर देखेंगे वाल. तो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो जिसका जिसका आएगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो निडिल वाल्व जिसका जिसका आ रहा होगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बताना है क्या आंसर हो जाएगा इकतीस नंबर है कह रहा है है इज यूज। वाल का यूज कहां पे करते हैं ये बताना है, किस काम के लिए करते हैं ये सारे लोग को बताना है देखिए पे पूछा हुआ है सेल बोकारो स्टार स्टील प्लांट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है तो देखेंगे ए नंबर पे क्या दे रखा है द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल करना और फिर उसके बाद दे रखा है द्रव के दबाव को नियंत्रित करना बहाव को नियंत्रित करना ठीक है फिर उसके बाद सी नंबर पे दे रखा है इसका प्रयोग पानी या द्रव को क्या होता है छोड़ने या बंद करने के लिए करते हैं फिर इसमें दे रखा है इनमें पानी एक ही दिशा में क्या होता है भेजा जा सकता है तो कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो क्या आंसर आएगा सारे लोग को बताना है ठीक है क्या करता है ये द्रव के बहाव का क्या होता है फाइन डिग्री कंट्रोल करता है ठीक है फाइन डिग्री कंट्रोल करता है यानी कि ए नंबर जिसका आएगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है आ रही बात समझ में और बी नंबर देखेंगे द्रव को बहाव को नियंत्रित करता है नहीं फिर उसके बाद सी नंबर देखेंगे इसका प्रयोग पानी या द्रव को छोड़ने या बंद करने के लिए करता है नहीं और डी नंबर देखेंगे इनमें पानी एक ही दिशा में बेचता है नहीं ठीक है तो कौन सा हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो जिसका जिसका ए आया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है रिटर्न वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है ये सारे लोग को बताना है ठीक है रिटर्न वाल्व का दूसरा क्या है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से सारे लोग को कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है ठीक है नॉन रिटर्न वाल्व का दूसरा नाम क्या है ये सारे लोग को बताना है ठीक है तो पहला क्या दे रखा है गेट वाल्व दे रखा है और फिर दूसरा क्या दे रखा है रिफ्लेक्स वाल्व दे रखा है और सी नंबर पर देखेंगे तो क्या दे रखा है क्लू वाल्व दे रखा है और डी नंबर पर देखेंगे तो कौन दे रखा है ग्लोब वाल्व दे रखा है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सारे लोग को कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर कौन हो जाएगा रिफ्लेक्ट वाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जिसका जिसका बी आ रहा होगा उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर पर देखेंगे गेट वाल्व दे रखा है तो ये भी गलत होगा और देखेंगे तो क्या दे रखा है वाल्व नहीं फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा डी नंबर पे ग्लोब वाल्व तो नहीं कौन सा हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा ठीक है देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है डीआरडीओ मशीनिस्ट में पूछा हुआ है फिर उसके बाद आरआरबी मालदा में पूछा हुआ क्वेश्चन है एएलपी में ठीक है तो बताना है क्या इसका आंसर होगा देखेंगे क्या कह रहा है नॉन रिटर वाल को चेक वाल्व भी, भी कहते हैं इसका उपयोग करते हैं तो किसके लिए उपयोग करते हैं ये सारे लोग को बताना है पाइप के बैक प्रेशर को रोकने के लिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है पाइप डिग्री को कंट्रोल करने के लिए फिर उसके बाद देखेंगे बहाव के नियंत्रण के लिए फिर उसके बाद देखेंगे डी नंबर पर दे रखा है उपरोक्त में से सभी दे रखे तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से ठीक है तो क्या है जल्दी से बताना है सारे लोग को ठीक है तो देखेंगे क्या हो जाएगा पाइपलाइन के बैक प्रेशर को क्या करता है रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है किसका नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है बैक प्रेशर एक तो क्या होता है नाइन रिटर्न वाल्व क्या करता है ये वाटर को केवल वन डायरेक्शन या लेफ्ट या राइट right कहीं पे भी वन डायरेक्शन में क्या करता है वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराता है किसमें वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराता है ठीक है आ रही बात समझ में और क्या करता है पाइपलाइन के बैक प्रेशर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं ठीक है ना और नॉन रिटर्न वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है चेक वाल्व भी होता है ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए क्या होता है चेक वाल्व भी होता है ठीक है सारी बातें समझ में आप देखेंगे अगला और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ये कौन सा था तैतीस अब देखेंगे अगला नंबर पैंतीसवें का और बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे कह रहा है प्लग का प्रयोग करते हैं प्लग का प्रयोग किस लिए करते हैं यह सारे लोग को बताना है क्या दे रखा है तो क्या कह रहा है यह पानी को मेन पाइपलाइन से पीछे नहीं आने देता है फिर उसके बाद देखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं तो सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है जल्दी से रहा है जल्दी से बताना है सारे लोग को ठीक है तो देखेंगे क्या कह रहा है कह रहा था प्लग का उपयोग करते हैं तो क्या दे रखा है हाई प्रेशर के बहाव के लिए नहीं ठीक है फिर उसके बाद देखेंगे लो प्रेशर के के बहाव लिए यह पानी को मेन पाइप लाइन से क्या होता है पीछे नहीं आने देता तो यह भी कहना गलत हो जाएगा तो कौन सा इनमें से कोई नहीं ये तीनों काम क्या होता है प्लग काक का प्रयोग करने के लिए नहीं होता प्लग काक ये तीनों कार्य नहीं करता है, ठीक है अब देखेंगे अगला क्या कह रहा है और सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है पानी के पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल का प्रयोग करते हैं यह भी कई बार पूछा है नॉन रिटर्न वाल का प्रयोग किस लिए करते हैं कई बार पूछा हुआ है ठीक है तो बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा कमेंट करके सारे लोग को बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है देखिए कहाँ पे पूछा हुआ है डीएमआरसी मेंटेनर फिटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो सारे लोग को बताना है और 2017 तो और 18 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कई बार आया है नॉन रिटर्न वाल पूछता एग्जाम में बहुत है ठीक है तो क्या कह रहा है नॉन रिटर्न वाल काम क्या करता है ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए तो क्या करता है ये क्या करता है वन डायरेक्शन में क्या करता है वन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो करता है ठीक है वन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो करता है कौन नॉन रिटर्न वाल ठीक है ना नॉन रिटर्न वाल वाटर को वन डायरेक्शन में फ्लो करने का करने के लिए लगाया जाता है ठीक है तो क्या दे रखा है थ्री वे फ्लो मतलब टेन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो कराता है नहीं फिर उसके बाद देखेंगे टू वे टू वे फ्लो फ्लो डायरेक्शन में वाटर का कराता है नहीं फोर वे फ्लो चार डायरेक्शन में वाटर का फ्लो कराता है नहीं फिर उसके बाद डी नंबर पे दे रखा है कौन सा वन वे फ्लो मतलब वन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो कराता है तो बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जिसका जिसका डी आएगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है देखेंगे आज का क्या हो गया पैंतीस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस फिर क्या होगा नेक्स्ट डे क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट डे दे का हम लोग इसका क्या कई सारी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो लगभग लगभग ढेर सारे क्वेश्चन इसके कर लिए आप देखेंगे नेक्स्ट डे दे क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू चालू करेंगे जो कि क्या से है फोर्जिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे देखेंगे नेक्स्ट जो जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो किसका आप लोग बढ़िया से रिवाइज करके आइए जब किसका करेंगे फोर्जिंग जी का करेंगे तो उसमें सारे कितने भी कितने टूल्स यूज होते हैं और मटेरियल कौन कौन सा हो जाता है कितने डिग्री पर क्या मटेरियल का वर्क करते हैं एक फार्म से दूसरे फार्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ठीक है और कौन से टूल के द्वारा करेंगे किस साप में जाना होता है ठीक है अरे बात समझ में कौन से मटेरियल के द्वारा हम हीट करेंगे ठीक है ना अरे तो फोर्जिंग का आप लोग बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे तो फोर्जिंग चैप्टर नेक्स्ट डे चलेगा उसके सारा जितने भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सारे हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे ठीक है ना तो सारे लोग सुबह आठ बजे टाइम से जुड़ जाए करें तो हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे नेक्स्ट डे अपने टाइम से क्लास चालू रहेगी ठीक है और एक सबसे पहले तो एक न्यूज बता एक सबसे पहली इंफॉर्मेशन बताई दे रहा हूँ इस समय जो जो भी एडमिशन ले रहे रक्षा बंधन था मतलब तीस अगस्त तक क्या है इस समय बम्फर छूट दे रही है पचास परसेंट सारे कोर्स पर ऑफ है जो भी ऑनलाइन कोर्स है वो कितना है पचास परसेंट ऑफ है अगर आपको एडमिशन लेना है रेलवे स्पेशली लेना है या कोई भी टेक्निकल कोर्स लेना है जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसमें पचास परसेंट ऑफ है तो आप क्या कर सकते हैं इस समय बम्फर ऑफर चल रहा है पचास का तो आप ले सकते हैं ठीक ना हरी बात समझ में और कुछ जो भी है ऑफिस वाले नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पूरी सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं ओके थैंक यू